जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला इफ्तार के पकवान का, और आज आते आते हमें इतनी ताखिर हो गई। पहले हम आते थे 5 बजे, आहिस्ते आहिस्ते 5:15 हुए अजान का ब्रेक, उसके बाद फिर अब 5:30 बजे करीब मैडम आ रहे हैं। और मैडम सबसे पहले खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। माशाल्लाह शेफ समीना जलील रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। रोजाना मेरी थोड़ी थोड़ी कोशिश होती है कि मैं इनको थोड़ा सा गुस्सा दिलाऊं कि देखें मैडम आपके साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कमाल ये भी है शेफ समीना जलील का कि बिल्कुल गुस्से में नहीं आते। नहीं, मैं इनको गाड़ी से लेके शुरू करता हूँ, मैडम देखें आप कैसे आ रही है, किस गर्मी में। मैं खुद आपका दरवाजा खोल देता हूँ। आपने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। क्योंकि मैं तो बहुत आपको जान भी नहीं सुनती। अच्छा भाई, नहीं उससे में हम फिर आपके घर वालों से कहेंगे कि आप इनको समझाएं। ऐसी कोई बात नहीं, जाहिर अप एंड डाउन तो होते हैं और चीजें कुछ गड़बड़ भी हो रही होती है किसी वक्त, तो ऑब्वियसली जाहिर है जब अच्छी हो रही होती है, जब हम खुश होते हैं, तो जब थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच है तो हमें वो भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दरअसल ज्यादा नहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वैसे हमारे साथ रमजान ट्रांसमिशन में? हाँ ऑफ कोर्स, हम रमजान ट्रांसमिशन में आपके साथ रहे। उसके अलावा तो हाँ, अकेले बिल्कुल गोशानशीनी में शो किया करती थी। जी बिल्कुल, अच्छा लगा मुझे बहुत, और हमारे एक अच्छा साथ रहा और अच्छी गपशप के साथ हम प्रोग्राम करते रहे। और हालांकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है और मेरी कोशिश तो यही होती है कि रेसिपी को कंप्लीट कर लूं, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी मेरी मदद की कि मैं जो सोच के आती हूं और उस दिन मुझे उतना ही टाइम मिलता है, उतना ही टाइम मिलता है, मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने की कोशिश। डॉक्टर साहब के साथ बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे और जितने लोग भी यहाँ पर आते रहे, हमारे साथ भी होते थे, और मैं बल्कि यहाँ एक आदमी है जिनसे आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं रमजान में मैंने माफ किया। अगर एक ही आदमी है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, अभी भी सुन भी रहे हैं वो, उनके साथ ही थोड़ा मसले मसाइल। नहीं वो देखिए मसले मसाइल तो हो जाते हैं, कोई ऐसी बात है ना, इसका मतलब है हाँ हो जाते हैं। देखा आपने, आखिर मैंने उगलवा ही लिया ना। मसला सारा ये है कि उनके साथ ही मुझे टाइम गुजारना है, आप उनके तो साथ आगे जा, हाँ, ये इसलिए नहीं नहीं, लेकिन ये कि सबके साथ बहुत अच्छा गुजरा। फिर ये कि मैं पूरी ट्रांसमिशन में अमूमन देख रही होती हूँ, मैं भी पीछे बैठी होती हूँ और सब चीजें देख रही होती हूँ। बुलवा लेंगे हम ट्रांसमिशन में, बुला के आप रुकना चाहें तो रुकिएगा, देखिएगा की क्या बातें वो करते हैं। ऐसा ना हो कि वो हमारा भी फायदा हो। आज वो अपनी सारी दिल की भड़ास निकालेंगे। देखिए कल ईद का दिन है, सबको खुश खुश रहना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कितना अच्छा दिन हमें दिया है, ईद का दिन आज हमें इनाम के तौर पर मिला है, तो हमें उसको खुशगवार तरीके से मनाना चाहिए और सब लोगों को खुश रखना चाहिए। क्या बना रही मैडम आज, ये बताएं पहले। आज हम पिज्जा बर्गर्स बना, पिज्जा बर्गर्स बना रहे हैं, और ये पिज्जा इसलिए कि चीज इसमें टॉपिंग डल जाएगी। जी जी, और आजकल पिज्जा पैटिस भी आ गई है, पिज्जा बर्गर्स भी आ गए हैं, पिज्जा पराठे भी आ गए हैं, पिज्जा रोटी भी आ गई है, पिज्जा फ्राइज भी आ गए हैं। अब मैं सोच रहा हूं पिज्जा राइस ना आ जाए। हां बस चला के राइस के ऊपर चीज और टॉपिंग डाल के जी ये पिज्जा राइस, पिज्जा राइस है, डो की जगह उसका जो डो है वो राइस का बना, राइस का बन जाए। जैसे मैंने उस दिन आपको शायद याद होगा, मैंने स्पेगेटी पिज्जा वाला बनाया था, उसे बेस स्पेगेटी पिज्जा था। अब एक राइस पिज्जा रह गई, हम लोग मिलके कोई नई इनोवेशन करके डिश निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। चलो आप स्टार्ट करें, इसलिए वक्त कम है, मुकाबला सख्त। थैंक यू सो मच, वेलकम जी। आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। ये बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, ये है क्या है कि ये आप अपनी ईट ट्रॉली पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं, बहुत ही को आप इंजॉय करेंगे इसको। सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा पिज्जा बर्गर मैंने इसको इसलिए कहा है कि इसको मैं बना रही हूँ इन छोटे वाले स्मॉल साइज के जो बंस हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इनके साथ मैं बना रही हूँ, वरना इसमें ये को हम बेक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बट ऑलमोस्ट इन्ग्रीडियंट वही है। अच्छा बर्गर से जहन में ये आता है ना कि कोई पैटी तैयार करें, हम पैटी नहीं बना रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप बनाइएगा, अच्छा लगेगा। आप इसको कोल्ड भी सर्व कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं काम ये करूँगी, इसको पहले थोड़ा सा सेक लूँगी, बांस को सेक कर रख लूँगी, उसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग जब तैयार करेंगे उसके बाद किस तरह से इसको लगाएंगे आप ये देखिएगा। हमें इसे बेक नहीं करना है, और ये बेक करने पर बात आ गई है ब्रेक की, तो ऐसे करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। मैं काम ये करती हूँ सारे बर्गर जो है ना, बर्गर बंस, इनको मैं हल्का सा टोस्ट करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइएगा, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहां पर हम पिज्जा बर्गर्स आपके लिए बना रहे हैं। नाम इसका बर्गर है क्योंकि हम इसको बर्गर बंस, स्मॉल बर्गर बंस में बना रहे हैं। आप अपनी ई ट्रॉली पे भी इसको बनाएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल सी चीज़ है बट फिलिंग वाली चीज़ है। यहाँ पर हम जिसकी फिलिंग तैयार करेंगे वो आपको बताते हैं। हमने सबसे पहले ही काम किया कि बर्गर बंस जितने भी थे उनको हमने सेक लिया, बटर के साथ करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेरे पास चिकन है, ये बॉयल की हुई चिकन है, मैंने इसको थोड़ा सा
नमक और मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल किया और ये श्रेड कर लिया। इसके बाद इसमें डालेंगे कॉर्न्स। कॉर्न्स इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कॉर्न्स जाएंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के हमने शामिल किए हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये शिमला मिर्च, ठीक है जी, ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बाकी की सीजनिंग। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर ज़रा फ्लेवर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर ये जाएगा 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा हमने कम डाला है वरना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट ही लीजिएगा। पाउडर थोड़ा सा क्या होता है कि हल्का सी एक बिटरनेस होती है, तो पाउडर मत लीजिएगा, आप पेस्ट ही लीजिएगा। इन सब चीज़ों को पहले मैं ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास बटर है। बटर है यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ये 2 टेबलस्पून मैंने बटर ले लिया। इसको पहले मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ, ठीक, क्योंकि ईद पर भाई नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसको ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें मेयोनीज़ डालें। ऑब्वियसली कोई भी हम सैंडविच बनाते हैं या बर्गर्स बनाते हैं, मेयोनीज़ का उसमें होना बहुत लाजमी हो जाता है। तो मेयोनीज़ जाएगी इसमें तकरीबन, हम डालते हैं जितनी बाइंडिंग होगी उस हिसाब से मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर डाल रही हूँ, ये गई इसमें 1/2 कप, ठीक है। देखेंगे ज़रूरत होगी तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे। ये देखें काफ़ी बेहतरीन सा हो रहा है, वाह ज़बरदस्त। अच्छा, इस मिक्सचर को आप बना के रख भी सकते हैं तो बड़ा ही कुछ शानदार रहेगा। कोई गेस्ट आता है फटाफट आप इसको बना दिए, क्रोसों पे इसको बना के सर्व कीजिए, बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है ये चेडर चीज़। चेडर चीज़ जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते, बट इट्स क्वाइट एनफ ना। अब क्योंकि मेरे पास बर्गर बंस जो है वो सिर्फ 5 है, ठीक है ना, तो 5 के लिए जो मुझे चाहिए वो बिल्कुल मुझे लगता है बेहतरीन है। ये देखिए गिर लेते हैं। अब सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। किस तरह से करेंगे बस आपको दिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक, ये तैयार हो गया। एक उठाते हैं, ये ज़बरदस्त सा ये क्रिस्पी सा, ये कॉर्नर्स के बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो गए, ये मैंने ले लिया। अब हम सैलड लीव ले लेते हैं। अब सैलड लीव आप काट के भी डाल सकते हैं और आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर से तोड़ लेती हूँ। इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान की रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ईद की रेसिपीज़ भी हम आपके लिए बना रहे हैं, डेफिनेटली आपको वो भी अच्छी लगेंगी। सिंपल इज दिस, बस आपने क्या करना है ये, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इसको ऐसी डॉलप की फॉर्म में रख दिया, ये क्या, इसको बिल्कुल मैं प्रेस नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है बेक पार्लर द चू पास एक्सपर्ट का रखा हुआ है ये चिली गार्लिक सॉस, तो थोड़ा सा हम चिली गार्लिक सॉस भी इस पर अप्लाई करेंगे। चिली गार्लिक सॉस डालेंगे हम अपने दूसरे उस पर, ये देखिए जी, ये तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि केचप और चिली गार्लिक सॉस एक ऐसी चीज़ है और वो भी अगर बेक पार्लर का है तो आप यकीन करें आपकी तो टेबल सज जाती है। आप सिंपली आपने इसको इस तरह से, ये देखिए जी, इससे क्या होगा टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। और पूरे रमज़ान आप लीजिएगा तो ये कर लेंगे आराम से। अच्छा, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ये इट्स अप टू यू। अगर आप बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं तो यू कैन, ओके। अब डालेंगे इस पर हम, ये रहा, और आपने देखा कि मैंने इसको प्रेस नहीं किया है ज़्यादा, ये अच्छा सा नज़र आ रहा है, खूबसूरत सा दिखने में ना। आसान आसान रेसिपीज़, किचन में कम टाइम आप गुजारें, आप देखेंगे आपकी तमाम इबादत भी बेहतरीन तरीके से हो जाती हैं। और क्या होता है कि घर वाले जो हैं वो खुश भी हो जाते हैं जब उनको इतनी मज़ेदार सी चीज़ें मिलती हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो बिल्कुल घर वालों को खुश करने के लिए ख़वातीन ने पूरे रमज़ान इतना काम किया है, ढेरों के हिसाब से चीज़ें बना बना के, सहरी का टाइम है, इफ्तार का टाइम है, हर टाइम पर आप लोगों को बना के दी है। तो भाई उनको अप्रिशिएट कीजिए और उनको कोई इनाम ज़रूर दीजिए। ये मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ इस बात पर कि उनका हक बनता है कि आप उनको कोई ना कोई इनाम दें।
चलिए जी, ब्रेक का टाइम आएगा, मैं काम करती हूँ, इन सबको इसी तरह से तैयार करके रख लेती हूँ, जब ब्रेक से आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये तैयार हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मिनी पिज़्ज़ा बर्गर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसको आप अपने ईद की ट्रॉली में शामिल कर सकते हैं, या आपके घर में कोई गेस्ट आता है, बच्चे हैं, उनके लिए बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल जब खुल जाते हैं तो माओ को ज़रूरत होती है कि कोई लंच की कोई चीज़ अच्छी सी होनी चाहिए, तो आप इसको लंच में भी बना सकते हैं। और ज़ाहिर है जब कोई अच्छा सा खाना होता है तो मशरूम भी अच्छा होना लाजमी होता है। तो ये मेरे पास बेक पार्लर की चीज़ मशरूम मौजूद है, बेक पार्लर का ये मेरे पास आइसक्रीम सिरप है, वाओ ज़बरदस्त सा। तो ये गया इसमें आइसक्रीम सिरप, इसको पानी में बनाएं, लस्सी में बनाएं, जिस तरह आपका दिल चाहता है आप उस तरह बनाएं, आपको बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। और ये है यहाँ पर जामे मशरक शरबत, जामे मशरक शरबत खालिस अरकिया से तैयार जामे मशरक शरबत, ये हम डालेंगे इसके अंदर। तो ये भी हमारा तैयार है, हरा लाल शरबत तो बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, तो बच्चे बड़े सभी को अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपनी ईद को भी बहुत अच्छा बनाइएगा। देखें अगर कल चांद हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला कल ईद होगी, तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को पेश की बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। इंशाल्लाह ताला ईद पे भी आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि ईद के प्रोग्राम्स होंगे और ईद के जो पकवान होंगे वो भी तो आपके साथ हमें शेयर करने, तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि ये आसान सी रेसिपीज़ हैं और दिखने में आपकी टेबल को ये बहुत अच्छा कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत छोटे छोटे से बर्गर्स बने हुए हैं, बट ये दिखने में और खाने में ये बहुत आपको अच्छे लगेंगे। चलिए जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जनाब आप तमाम लोगों को, अगर कल ईद है, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।